भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे, तो दिलीप जी भी जाके जांच कर ली उसके विषय में। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को कलंकित करने वाले के घर बुलडोजर चल गया। एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला आरोपी सलाखों के पीछे आ गया। हालांकि वो दोषी है या नहीं ये बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों की कश्ती में राजनीतिक पार्टियां गोते लगाने से बाज नहीं आ रही। अब योगी सरकार के इन मंत्री को ही सुन लीजिए कैसे सपा को कोस रहे हैं। जो सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे, तो अखिलेश जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में। पीला गमछा पहने ओपी राजभर करना तो चाहते थे अखिलेश यादव का विरोध। अयोध्या गैंगरेप केस में उनकी पार्टी को दम भर सुनाने आए थे, उनके बीजेपी सरकार पर आरोपों का जवाब देने आए थे। अयोध्या में चली बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सीएम योगी के एक्शन की तारीफ में कसीदे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी नजरों में तो अखिलेश यादव मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए हैं। तभी तो भगवान राम का उदाहरण पेश करते हुए कह रहे हैं कि अगर आपको सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है तो प्रभु राम की तरह खुद अयोध्या मामले की जांच क्यों नहीं कर लेते। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए राजभर की जुबानी। तो सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे, तो अखिलेश जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में। इस दौरान सुभाषपा चीफ ने समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार बताया। कहने लगे सपा सरकार में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में, तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं। डर है, बुलडोजर का नाम आने पर करेजा कांप जाता है। ये है ये सरकार का भय। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। और समाजवादी पार्टी की समूह से बोल रही है, जब उसी का नेता अपराध कर रहा है। अखिलेश यादव के खिलाफ राजभर का ये बयान तब आया है जब अखिलेश ने सोशल मीडिया पर अदालत से अयोध्या मामले को संज्ञान में लेने की अपील की थी। इससे साफ जाहिर है कि उन्हें सरकार की जांच पर भरोसा नहीं, और अब इसी बात पर अखिलेश बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के निशाने पर आ गए हैं। केशव ने अखिलेश को पलटवार करते हुए कहा है कि कोर्ट के नाम से गुमराह न करे। खैर, अयोध्या मैटर पर वार पलटवार तक तो ठीक था, लेकिन अखिलेश को सुनाने के चक्कर में प्रभु श्री राम का उदाहरण देकर कहीं राजभर अपने ही बयान में तो नहीं फंस गए हैं। फिलहाल राजभर के अखिलेश पर दिए इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।